जैसा कि पिछले एपिसोड वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स पार्ट वन में हमने देखा, हाइब्रिड ने एजमत के प्लेनेट पर कब्जा करके अब अर्थ पर कब्जा करना चाहता था, जिनसे लड़ने के लिए एजमत अपनी वॉइस कमांड से ओमनिटिक्स का मास्टर कंट्रोल भी अनलॉक करा देता है, क्योंकि ये उनकी आखिरी लड़ाई थी। फिर सभी उनसे लड़ने जाते हैं और उनसे जी जान लगाकर लड़ते हैं, पर आखिर में जंप गेट खुल जाता है और सभी वॉरक्राफ्ट्स अर्थ पर आने लगते हैं और बैन भी घायल पड़ा था। अब वॉर ऑफ द वर्ड्स पार्ट टू। तो पार्ट टू की शुरुआत में हम बैन को उड़ते हुए देखते हैं, जिसके पास ग्वेन आकर बोलती है, हमने देर कर दी बैन। बैन कहता है, नहीं, मेरे पास प्लान है। बैन थोड़ा सोचता है और प्लान बताता है, हम हाइब्रिड कंट्रोल रूम में जाएंगे, फिर हाइब्रिड लीडर को धमकाकर उससे सभी शिप्स को लौटाने को कहेंगे। डार्क स्टार कहता है, तुम्हारे यह प्लान मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। एजमत बताते हैं, उनका मेन कंट्रोल टावर शहर के सबसे जबरदस्त पहरे वाली बिल्डिंग में है। डार्क स्टार कहता है, यही मेरा मतलब था, तुम उसके अंदर कैसे घुसोगे। केविन, ये सब मुझ पर छोड़ दो। और तीनों केविन की कार में बैठते हैं। दोनों केविन को बोलते हैं, इस कार से क्या होगा, हम इससे जाएंगे वहाँ, ये नहीं हो सकता। केविन मुस्कुराकर एक बटन दबाता है और गाड़ी मॉडिफाई होने लगती है। केविन बताता है, जब भी मुझे कोई एलियन टेक्नोलॉजी मिलती थी तो मैं इसे इस पे फिट कर देता था। फिर केविन आगे बढ़ता है, आगे से कुछ डीएन एलियंस उस पर फायर करते हैं, जिन्हें केविन ऊपर लगी मिसाइल से चुटकियों में ढेर करके उनके ट्रक को भी ब्लास्ट करके आगे बढ़ता है। पेन कह रहा था, तुम गाड़ी चलाओ और झटके ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर केविन पर ऊपर से शिप्स भी फायर करते हैं, पर केविन बच जाता है। आगे कुछ डीएन एलियंस थे, जिन पर केविन अपनी कार ऑटो अटैक पर सेट करके छोड़ देता है। केविन की कार उन पर फायर करती जाती है, जिससे उन्हें बिल्डिंग तक जाने का थोड़ा टाइम मिल जाता है, पर डीएन एलियंस केविन की कार पर फायर करके उसकी कार को ब्लास्ट कर देते हैं। पर यार, केविन की कार बहुत अच्छा लड़ी। उसकी इस कुर्बानी के लिए एक लाइक तो बनता है। केविन ये देखकर निराश हो जाता है। फिर तीनों सीढ़ियों से गेट तक पहुंच जाते हैं। बैन सोमफायर में बदलकर गेट को जलाकर अंदर पहुंचता है। हाइब्रिड लीडर कहता है, टेनिसन, तुम इंसान मुझे कमजोर लगते हो। बैन हंसकर बोलता है, हाँ मान लो तुम ही हो ताकतवर, पर मैं ये सब करने नहीं आया हूँ। लीडर कहता है, हद में रहो, तुम्हारे साथ साथ अर्थ के वासियों की जिंदगी भी मेरे हाथ में है। और अपने चमचों से उन पर अटैक करवाता है, जिन्हें केविन और ग्वेन बुरी तरह धोते हैं। इधर लीडर बैन के चेहरे पर जोर से पंच करता है, जिससे बैन की गर्दनी गायब हो जाती है। ये देखकर ग्वेन घबरा जाती है, लेकिन बैन फिर से रीग्रो होकर उस पर आग फायर करता है। इधर हाइब्रिड का बड़ा चमचा केविन को मार मार कर उसकी बुरी हालत कर देता है। ग्वेन कहती है, छोड़ दो उसे, जिससे अब हाइब्रिड उसे छोड़कर ग्वेन पर अटैक करके उसको गिरा देता है और बोलता है, तुम्हें मैं चुटकियों में मसल सकता हूँ, पर पहले तुम्हारे दोस्त को खत्म करूंगा, तुमसे मुझे क्या खतरा होगा। जिसको सुनकर ग्वेन गुस्से में आकर अपने पूरे एनोडाइट फॉर्म में आकर उस हाइब्रिड को इतनी दूर फेंकती है कि वो दिखता भी नहीं। केविन उसके पास जाता है। ग्वेन बोलती है, बहुत पावर आ गई है मुझ में, मैं इन्हें अकेले ही हरा सकती हूँ एक चुटकी में। केविन उसे बताता है, तुम्हारी ग्रैंडमा ने कहा था तुम्हें इस पूरे पावर की जानकारी हासिल करने में 75 साल लग जाएंगे। ग्वेन बोलती है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। केविन इमोशनल होकर कहता है, तुम अपना वजूद खो दोगी ग्वेन, ना बैन तुम्हें याद रहेगा ना मैं। बैन कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा। जिसको सुनकर ग्वेन नॉर्मल होकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इधर बैन लीडर से बुरी तरह पिट रहा था। बैन अब बहुत हुआ कहकर बेलों से लीडर को जकड़ लेता है। अब खेल खत्म, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो सभी शिप्स को लौटने का ऑर्डर दो। लीडर हंसकर बोलता है, मुझे ऑर्डर देने की अथॉरिटी नहीं है, हमारे हाइब्रिड बॉस ही इस हमले को रोक सकते हैं, जिन तक तुम नहीं पहुंच सकते, वो हमारे अपने वतन में हैं। फिर डीएन एलियंस उन्हें घेर देते हैं, लेकिन मैनी उन पर टूटते हुए आता है, हटो मुझे अपने दोस्तों से मिलने दो। फिर हेलन भी सभी डीएन एलियंस के हथियार छीनते छीनते आ जाती है। फिर डीएस आकर सभी हथियारों को तबाह करता है। बैन हैरान होकर बोलता है, ये लोग भी यहाँ है, इसका मतलब। उसके इतना बोलते ही वहाँ पर उसके ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। ग्वेन बैन सीधा जाकर ग्रैंडपा के गले लग जाते हैं। मैनी कहता है, आ गई मैक्स की टोली। ग्रैंडपा कहते हैं, कहा था ना ये नाम मुझे पसंद नहीं। ग्वेन पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने सोचा नलवॉइड में जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता
आप वहीं रहोगे। ग्रैंडपा बताते हैं हाँ, पर हालात अभी काबू में हैं। वैसे भी मैं इन हाइब्रिड पर नजर रखे हुए था, इस आखिरी लड़ाई को मैं कैसे छोड़ देता। तभी पीछे से लीडर बोलता है, तब तो बर्बादी देखने सही टाइम पर आए हो मैक्स टेनिसन। जल्द ही सभी शिप्स अर्थ पर फैल जाएंगे, एक घंटे में सब कुछ तबाह। बेन कहता है ये जम गेट एक दरवाजा है जहाँ से हाइब्रिड आते हैं, अगर वो आने का रास्ता है तो जाने का भी होगा, जरा फोन देना। फिर बेन जूली को कॉल करता है जो बाहर जंग में बिजी थी। पैराडॉक्स बोलते उठा लो, इम्पोर्टेंट हो सकता है। जूली उठाती है, बेन कहता है ग्रैंडपा आप यहाँ संभालिए। फिर बेन नीचे कूदता है, सब डर जाते हैं, पर बेन शिप के ऊपर था और ग्वेन केविन को भी बुलाता है। जाते जाते ग्रैंडपा बेन को आंख मारते हैं। फिर हम शिप के अंदर हमारे हीरोज को देखते हैं, लेकिन अंदर अजमत भी थे। केविन कहता है पर ये जनाब कहाँ जा रहे हैं। अजमत बोलते हैं मैं अपने ओमनीटिक्स को किसी खतरे में नहीं डाल सकता, मुझे सिर्फ अपने ओमनीटिक्स की फिक्र है। बेन कहता है जम गेट आने वाला है। फिर ब्रेमस्टोन में बदलकर अजमत के सामने इंटेलिजेंट बातें करने लगता है। अजमत कहते हैं तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी खोपड़ी बड़ी है तो तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तभी सामने से कुछ शिप्स उन पर हमला करने लगते हैं जिनसे वो बचते हैं। अजमत बताते हैं कुर्सी की पेटी बांध लो, सर चकराने वाला है, और सभी जम गेट को पार करने लगते हैं जो उन्हें हाइब्रिड के वतन तक ले आता है। पर बेन आते ही अजमत पर उल्टी कर देता है जिससे अजमत क्यूट सी शक्ल बनाता है। फिर सभी हाई काउंसिल वाली बिल्डिंग की ओर निकलते हैं, लेकिन बीच में शिप पर हमला होकर शिप क्रैश हो जाता है जिससे बेन और सभी बेहोश हो जाते हैं। फिर जब उनकी आंख खुलती है तो अपने आप को बंदी पाते हैं जिन्हें हाइब्रिड गार्ड्स ने पकड़ कर बांधा था। ग्वेन कहती है अच्छी बात यह है हम हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं और शिप भी ठीक है। बेन कहता है काश मैं ओमनीटिक्स तक पहुंच पाता। अजमत कहते हैं बुद्धू पहुंचने की क्या जरूरत, जिससे बेन हाँ यार कहकर ओमनीटिक्स को बोलता है ह्यूमंगसौर में बदलो, और बेन ह्यूमंगसौर बनकर सबको छुटाता है और हाइब्रिड को भी धोता है कि हमें अपने हाइब्रिड बॉस के पास ले चलो, जिससे वो हाइब्रिड उन्हें अपने बॉस तक ले आता है जहाँ काफी बड़े बड़े हाइब्रिड और उनका लीडर बैठा था। लीडर कहता है अर्थ के बेन 10 तुम ही हो ना। हाँ मैं ही हूँ, और तुम हाइब्रिड के मेन लीडर हो ना। लीडर कहता है यहाँ तक पहुँचने की दाद देता हूँ। बेन बोलता है थैंक्स, मैं यही चाहता हूँ कि तुम अर्थ पर हमला रोक दो, हमें इतनी तकलीफ पहुँचा कर क्या मिलता है तुम्हें। लीडर बताता है तुम्हारी नस्ल एक तुच्छी नस्ल है, तुम्हारी मौजूदगी ही हम जैसी नस्ल के लिए बेइज्जती है। अजमत बोलते हैं अपनी ये फिजूल की बातें बंद करोगे। लीडर बोलता है तुम गैल्वन प्लैनेट से हो ना, थोड़ा दिमाग ज्यादा है ना तुम में। अजमत उनका असली मकसद बताते हैं, ये इसलिए हमला नहीं कर रहे कि ये खास नस्ल के हैं, ये खत्म होने की कगार पर है इसलिए हमला कर रहे हैं, ये अपनी पीढ़ियों को जन्म देने के काबिल नहीं रहे, और ये तुम्हारी आखिरी पीढ़ी है ना। लीडर बोलता है बात तो सही है तुम्हारी, पर अब तुम भी नहीं रहोगे। कुछ ही देर में सभी शिप्स अर्थ ही नहीं पूरी गैलेक्सी को तबाह कर देंगे, गैल्वेन की तरह। अपने सामने देखो यूनिवर्स की तबाही। अजमत निराश हो जाते हैं, सब कुछ खत्म, इनसे हम नहीं लड़ सकते। तभी बेन बोलता है इनसे लड़ाई नहीं करनी, इनकी मदद करनी चाहिए। फिर बेन ओमनीटिक्स से पूछता है क्या तुम इन हाइब्रिड का डैमेज रिपेयर कर सकते हो। ओमनीटिक्स इस काम को करने के लिए हमें हमारी पूरी पावर की जरूरत पड़ेगी। फिर ओमनीटिक्स सभी हाइब्रिड्स का जेनेटिक डैमेज रिपेयर करने लगती है, यहाँ तक कि बाहर वाले हाइब्रिड्स का भी, जिससे हाइब्रिड्स अपने नए लुक में आ जाते हैं। ओमनीटिक्स कहता है काम पूरा हुआ, इनका रिपेयर कम्प्लीट हुआ, जिसको देख कर हाइब्रिड बॉस गुस्सा हो जाता है। मैन कहता है गुस्सा क्यों होते हो, मैंने तुम्हें बचाया है। लीडर कहता है तुमने हमें फिर से नापाक कर दिया, जिंदगी खत्म करने का वक्त आ गया है। तभी पीछे से एक और हाइब्रिड आकर कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है। बेन कहता है ये तो राइनी है। राइनी बताता है इस इंसान ने एक बार मेरा डीएनए बदलकर मेरी चोट ठीक की थी। राइनी सभी को कहता है मेरे साथ ही हाइब्रिड हम अपनी जिंदगी भी जी सकते हैं। फिर सभी हाइब्रिड आपस में कुछ गुटरगु करके लीडर कहता है तो फैसला हो गया, हमारी हाई काउंसिल राइनी तुम्हें नया लीडर बनाती है, हमें रास्ता दिखाइए। राइनी जरूर कोशिश करूंगा कहता है। फिर राइनी सभी हाइब्रिड को वापस आने को कहता है, ये जंग खत्म हो गई, वतन वापस आ जाओ ताकि हम नई शुरुआत कर सके, और बेन से हाथ मिलाता है, मदद के लिए शुक्रिया बेन टेनिसन। फिर सभी शिप्स लौटने लगते हैं और ग्रैंडपा एक ऐसी चीज फेंकते हैं
जो जम गेट को पूरी तरह तबाह कर देता है। जूली भी अपने घर की ओर निकल जाती है। कल स्कूल में मिलते हैं। ग्वेन पूछती है, ग्रैंडपा आप वापस नलवॉइड तो नहीं जा रहे? नहीं, इस फाइट से ये सब काफी ट्रेन हो गए हैं, अब इन्हें कुछ नया सिखाना पड़ेगा। फिर ग्रैंडपा उन्हें ट्रेन करने निकल जाते हैं। आखिर में केविन कहता है, मैं तो ऑटो शॉप में जाऊंगा, नई कार जो लेनी है मुझे, जिसके साथ ग्वेन भी जाती है। पैराडॉक्स कहते हैं, ठीक है बेन, तो मैं चलता हूँ, अजमत को गैल्विन छोड़ दूंगा। अजमत बोलते हैं, फिर से नई जिंदगी चालू करनी पड़ेगी। बेन कहता है, जाते जाते आप इस मास्टर कंट्रोल को फिर से अनलॉक कर दो। लेकिन अजमत नहीं करते और चले जाते, पर अजमत ने उसके लिए नए एलियंस छोड़ दिए थे। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।